नमस्ते दोस्तों। तो ये मूंग दाल को मैंने सोख कर दिया था, अब मैं जा रही हूँ इसे ग्राइंड करने। और थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और एक मिर्च लिया है, क्योंकि मिर्च अभी था नहीं तो एक ही ली हूँ, आपके पास है तो दो भी ले लीजिए। और देखिए इसमें मैंने डाला है सोडा, बेकिंग सोडा, और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाला था, आपके पास अगर पेपर ऐसे है तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और इसका घोल बना लिया। अब मैं देखिए इसके वड़े बना रही हूँ। ये सारे मैं डाल दूँगी, फिर आपको डालने के बाद मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसको धीरे धीरे करके मैं जितना कढ़ाई में अभी आ पाया ऑयल में उतना मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद अभी मैं छोड़ दूँगी, जब एक साइड से हो जाएगा तो फिर मैं इसे टर्न कर लूँगी। आप और आप थोड़ा सा बैटर को और थिक रखें ताकि ये पूरा गोल बने। तो ये देखिए मैंने टर्न कर लिया, ये पहले राउंड का था। और यहाँ मैंने ले लिया है पानी, थोड़ा सा आप सुन ले, मैं नॉर्मल ली हूँ। और इसमें आप चाहें तो हींग भी मिला दें, हींग का फ्लेवर जिसे पसंद है वो मिला ले, लेकिन मैं बस प्लेन वाटर ली हूँ। फिर इसमें मैंने डाल दिया ये वड़े। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट छोड़ दूँगी और उसके बाद इसका पानी नहीं छोड़ लूँगी, फिर आपको आगे क्या बताती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इसमें से पानी निकाल रही हूँ, थोड़ा ये गर्म था तो हाथ भी मेरे जल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसे सबको निकाल ली। एक राउंड के मेरे निकल चुके हैं वड़े बाहर पानी से, और ये सेकंड राउंड वाले भी हो गए। इस तरह कर करके मैं सारे वड़े को ऐसे निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें कर्ड डालूंगी और सारे मसाले डालूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको उड़द का वड़ा बनाने का मन नहीं करे तो आप ये मूंग दाल का बना सकते हैं, ये मतलब डाइजेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये लाइट होता है उड़द से और ये जल्दी भी बन जाएगा। जल्दी तो उतना मतलब ठीक ही है दोनों का टाइम, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी लाइट रहता है। तो ये सारे मेरे वड़े हो गए हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ खाने के बाद, ये टेस्टी बने हुए थे फ्रेंड्स। तो ये बाद का एक फ़ोटो ऐड हो गया है। तो सारे वड़े को मैंने ये बड़े से बर्तन में ले लिया है, थोड़ा आप जैसे कि जिस जो थोड़ा सा चौड़ा बर्तन हो वो ले, ताकि जो दही है ना इसमें अच्छे से चला जाए अंदर। तो सारे वड़े को मैं इसमें ले रही हूँ और उसके बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी। तो दही फ्रेश ही था, एकदम फ्रेश दही है। तो देखिए मैं ऐड करूँगी धीरे धीरे। तो मैंने दही डाल लिया है, उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। मसालों में आपको डालना है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर कच्चा भी आप डाल सकते हैं, हम लोग तो भुना हुआ जीरा पाउडर डालते हैं। और उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर आप डाल लें, और चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ये चार चीज़ तो मतलब आपको डालने ही हैं। उसके अलावा आप जो भी डालते होंगे फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हैं, हम तो ये चारों चीज़ें डालते हैं। तो ये देखिए रोस्टेड क्यूमिन पाउडर मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर। तो फ्रेंड्स आप इसे फ्रिज में रख लें और उसके बाद आप इसे नाश्ते के भी तौर पे खा सकते हैं, प्याज व्याज डाल के, या फिर आप ये टमेटो केचप भी डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।